वेलकम टू ग्रीन मैथ ऑनलाइन बेसिक कोर्स। आइए देखते हैं हमारे आज के इस लेसन में क्या है। लेट्स से हमें आंसर चाहिए 56 प्लस 26 का, तो जो नॉर्मल यूजुअल वे है इसको करने का वो राइट टू लेफ्ट है जो स्कूल्स में सिखाया जाता है, तो उसमें इस तरह नंबर्स लिख देते हैं ऊपर नीचे और इनको जब यूनिट्स को ऐड करते हैं 6 प्लस 6 12 है, तो 2 यहाँ लिखते हैं एक कैरी हो जाता है और 5 प्लस 2 करते हैं 7 और उसमें जब ये कैरी 1 ऐड करते हैं तो वो 8 बन जाता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 82। 56 प्लस 26 इज 82। तो इसको अगर हम लेफ्ट टू राइट करें तो पहले हमने ये टेंस ऐड कर लिए तो ये 7 टेंस बन जाएंगे यानी 70, और जब हम यूनिट्स को ऐड करेंगे 6 प्लस 6 तो ये 12 बन जाएंगे। तो अगर हम इस 70 और इस 12 को ऐड करें, ये अपने जहन में मेंटली हम कर रहे हैं, तो 82 वही सेम आंसर बन जाएगा। या अगर आप वर्किंग शो करना पसंद करते हैं तो इसी को आप इस तरह लिख सकते हैं 56 प्लस 26, तो जब इसको टेंस को ऐड करेंगे 5 प्लस 2 को तो वो 7 बन जाएगा, जब यूनिट्स को ऐड करेंगे 6 प्लस 6 को तो वो 12 इस तरह आप लिख देंगे। तो ये जो छोटा 1 लिखा हुआ है, इस तरह 12 लिखने का मतलब ये है, ये छोटा 1 जो है ये बता रहा है कि ये कैरी टू द लेफ्ट होगा, तो 7 और 1 मिला के 8 बन जाएंगे और ये 2 ऐसे लिखा जाएगा। और एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, 48 प्लस 45 लेट्स से, तो टेंस को जब ऐड करेंगे वो 8 बन जाएगा और यूनिट्स को जब ऐड करेंगे इन यूनिट्स को तो 8 प्लस 5 क्या हो जाएगा 13 इस तरह लिख देंगे, तो वो क्या बन जाएगा 8 और 1 9 और 3 वैसे रहेगा, तो 93 आंसर बन जाएगा। अब लेफ्ट से राइट मैथ करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे फायदे हैं और ये कुदरती और नेचुरल भी है, तो हम इस कोर्स में इस लेफ्ट टू राइट मेथड को फेवर करेंगे और हम आपसे भी यही चाहेंगे, आपको भी एनकरेज करेंगे कि आप भी लेफ्ट से राइट जो है ज़्यादातर करें। तो की पॉइंट्स इस लेसन के क्या होंगे कि हम जो है राइट टू लेफ्ट भी ऐड कर सकते हैं और लेफ्ट टू राइट भी ऐड कर सकते हैं। जब राइट टू लेफ्ट करेंगे तो पहले हम यूनिट्स को करेंगे और कोई कैरी है तो वो टेंस वाले कॉलम के नीचे लिख देंगे उस कैरी को, और फिर टेंस वाले कॉलम को ऐड करके फिर जो कैरी है उसको उसमें दोबारा ऐड कर देंगे, और जब हम लेफ्ट टू राइट करेंगे तो उसमें पहले टेंस को ऐड करेंगे और उसको उसमें एक सिर्फ बढ़ा देंगे, अगर यूनिट्स कॉलम में हमें नज़र आ रहा है कि कैरी होगा तो फिर टेंस वाले को ऐड पहले करके उसमें सिर्फ एक बढ़ा देंगे और यूनिट्स वाले का जो यानी यूनिट्स डिजिट है वो लिख देंगे उसको ऐड करके। अगर आप ये चाहते हैं कि आप चलते फिरते ह्यूमन कैलकुलेटर कहलाएं या लोग आपको मैथ जीनियस कहें, तो हम हर लेसन के बाद जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस आपको पीडीएफ फॉर्म में दे रहे हैं, अगला लेसन करने से पहले उनकी प्रैक्टिस करें डेली और इस कोर्स को आखिर तक मुकम्मल करें।